हेलो फ्रेंड्स, हमने पशुओं के लिए, खासकर गाय भैंसों के लिए कुछ व्यूज़ के मैसेज आने से, कई मिलने वालों के फ़ोन आने पर हमने उन्हें कुछ दवाइयाँ बताई थी जिसमें उनके पशुओं को बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला उन मेडिसिन का, यानी उनके पशु को जो बहुत समय से दिक्कतें चली आ रही थी, जो हमने मेडिसिन बताई वे मेडिसिन देने से उनको काफ़ी रिलीफ मिला। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि क्यों ना ये मेडिसिन, जिनके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वीडियो के माध्यम से जिस किसी को भी गाय भैंस पालक के पशुओं में कोई भी दिक्कत हो तो उसे होम्योपैथिक दवाइयों से कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बात को सोचते हुए मैंने 2-3 बीमारियों के ऊपर वीडियो डाली थी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले उनके, लोगों ने बहुत सराहना की है। तो उसी वीडियो को उनको देखने के बाद मेरे पास हरियाणा के नरवाना से एक कमेंट आता है जयवीर सिंह का। उन्होंने मैसेज किया कमेंट के माध्यम से कि गाय भैंस जो फूल दिखा देती है, यानी गाय भैंस जब प्रेग्नेंट होती है, मतलब गर्भावस्था के दौरान वे जैसे बैठती है तो उनका शरीर का अंग बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी गर्भाशय उनका बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता रहता है और उसमें पशुओं की जान का भी बहुत खतरा रहता है। तो बहुत अच्छा जयवीर सिंह ने सवाल पूछा है, उसके ऊपर मैं आपको आज बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। पहले तो मैं इसकी वजह भी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे कई बार पशुओं को गर्भाधान के लिए लेके जाते हैं तो कई बार पशु के पैर स्लिप हो जाते हैं या कई बार गिर जाते हैं, जिनकी वजह से उनको झटका लग जाता है। झटका लगने से उनको ये शिकायतें अक्सर गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है और अपने स्थान से हटने के बाद वो उसका प्रेशर, उसका दबाव हर समय नीचे को बना रहता है। ये अक्सर महिलाओं को भी शिकायत हो जाती है, महिलाओं को भी जिनको हमेशा गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद भी हर समय दबाव नीचे को बना रहता है, ऐसे लगता है कि मेरे शरीर के कुछ अंग शायद बाहर निकल जाएंगे। महिलाएं तो बल्कि कई एक इतनी परेशान हो जाती है, वे उबड़ू नहीं बैठ सकती, टांग पर टांग रख के बैठती है ताकि उनका गर्भाशय का जो दबाव नीचे को हो वो कुछ कम हो सके। कई बार अपना हाथों से सहारा नीचे से ऊपर को देने की कोशिश करते हैं पेट से के नीचे के हिस्से से, तो ये उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। ये गाय भैंस पशुओं में भी बहुत ही सुंदर काम करती है, बस इसमें यह है कि पोटेंसी का अंतर हो जाता है। पशुओं के लिए जो मैं पोटेंसी आपको बताऊंगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें एक मेडिसिन आती है नक्स वोमिका, ये आपको 10 ml CM पोटेंसी में देनी है। ये जी तीन मेडिसिन मैं बताऊंगा, तीनों मेडिसिन आपको CM पोटेंसी में देनी है। सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका, वो CM पोटेंसी में आप लेके आए। CM पोटेंसी में लाके आप उस मेडिसिन की 5-5 बूंद, ध्यान रखना फ्रेंड, 5-5 बूंद, एक सूखी रोटी लो, उसमें घी ना लगाओ, ऐसी रोटी लो आप,
उस पे के ऊपर आप 5-5 बूंद दवाई डालें और हर 10 मिनट के बाद 5 बूंद दवाई डाल के आपको 3 डोज बना के उस पेशेंट को, उस गाय भैंस को देनी है जिसको ये फूला दिखने की शिकायत है। 10 मिनट बाद 3 डोज देने का मतलब आपको 20 मिनट के अंदर आपकी ये 3 डोज पशु को दी जा सकती है। उसके बाद आपको और कोई मेडिसिन नहीं देनी है। फिर आपको दूसरी जो मेडिसिन देनी है वो मेडिसिन आपको 48 घंटे बाद देनी है। यानी यदि आज आपने मेडिसिन सुबह के समय दी है तो अगले दिन छोड़ के उससे नेक्स्ट डे, यानी एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन आपको सुबह के समय ये मेडिसिन देनी है। ये नक्सोमी का वैसे आप मेडिसिन रात के समय देना, जब भी आप पशुओं को दे या कोई भी इसको ले, नक्सोमिका को हमेशा रात के समय लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने से थोड़ा नींद आलस्य आने की थोड़ी संभावना रहती है, तो ये मेडिसिन रात को देनी चाहिए। नक्सोमिका हमेशा रात को दी जाती है फ्रेंड्स। उसको आप 48 घंटे बाद दूसरी मेडिसिन को, उसको भी आप रात में ही दे सकते हैं। उसका नाम है सीपिया। सीपिया मेडिसिन को भी आप CM पोटेंसी में लें, जर्मनी में लें, 10 ml की छोटे छोटे पैकिंग आ जाते हैं, 10 ml की आप सीपिया लें और उसकी भी आपको 5-5 बूंद दवाई हर 10-10 मिनट बाद 3 डोज बना के देनी है। ये सीपिया दवाई और नक्सोमिका दोबारा से आपको रिपीट, नक्सोमिका तो दोबारा आपको रिपीट करनी नहीं है, सीपिया अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो आप 15 दिन बाद एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पहली डोज से ही आपके पशुओं को आराम होना शुरू हो जाता है। यदि जरूरत महसूस करे तो आप 15 दिन बाद, या लगे कि अब पशु को आराम है और बीच में कुछ महसूस हो के आराम होते होते आराम रुक गया है, तो आप महीने बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद भी उसको रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन से पहले आप उसको दोबारा से रिपीट ना करें फ्रेंड्स। इसमें लास्ट मेडिसिन है वो आपको अगले हफ्ते, मतलब जैसे आपने नक्सोमिका दी है उसके 48 घंटे बाद आपको सीपिया देनी है, सीपिया के एक हफ्ते बाद आपको अर्निका CM पोटेंसी में, अर्निका मोंटाना के नाम से मेडिसिन आती है, इसको भी CM पोटेंसी में आपको एक हफ्ते के सीपिया के एक हफ्ते बाद देनी है। उस तरीका वही है, 5-5 बूंद दवाई 10-10 मिनट बाद 3 डोज करके आपको देनी है। आप देखेंगे आपका पशु दिन प्रतिदिन ठीक होता चला जाता है, उसके अंदर जितने भी वीकनेस, विकार, किसी भी कारण से, चोट की वजह से या किसी भी कारण से, उसको गर्भाशय की स्थान च्युति कहते हैं इसको, यानी गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है, और जब गर्भाशय अपने स्थान से हटता है तो उसे केवल एक ही उसका प्रभाव होता है कि उसका नीचे को दबाव रहता है, पीछे को दबाव रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन जिन गाय भैंस पशुओं को जिनकी भी फूला दिखाने की, यानी स्थान ये यूट्रस का, गर्भाशय का बाहर निकलने की शिकायत हो, तो ये आप 3 मेडिसिन पशुपालक हमेशा अपने घर में रखें। ये मेडिसिन कभी ख़राब नहीं होती, जब भी किसी भी पशु को दिक्कत हो आप दे सकते हैं, आपका पशु ठीक हो जाता है। किसी पड़ोसी के पशु को दिक्कत हो जाती है तो आप उसको भी दे सकते हैं, इतनी महंगी दवाई ये नहीं आती फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आपके लिए इतना ही अच्छा है, क्योंकि गांव देहात में जहां लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, गाय भैंस के शौकीन होते हैं, उनको गांव देहात में कई बार दूर दूर तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, होते भी हैं तो पता चला कि आज डॉक्टर कहीं और जगह गए हैं, आज कहीं और जगह गए हैं, आप वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, तब तक आपके पशु की हालत खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन गांव देहात के जितने भी पशुपालक हैं,
या शहर में भी जो डेयरी फार्म वगैरह चलाते हैं उनके लिए मेडिसिन अपने मेडिसिन बॉक्स में पशुओं के लिए होनी बहुत आवश्यक है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये, आप एक बार रिजल्ट देखेंगे तो आप इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, इतनी सुंदर ये मेडिसिन है। फ्रेंड्स, कोई भी किसी को भी यदि इससे अलग भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी पशुपालक अपने पशु के किसी भी बीमारी से परेशान है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। सिर्फ अंतर ये है, जो मेडिसिन जो जो दिक्कतें जेंट्स को होती है, मेल को होती है, फीमेल को होती है, वही दिक्कतें हमारे पशुओं को होती है। पशुओं पे होम्योपैथिक दवाई एकदम तीर की तरह काम करती है, क्योंकि पशु ऊट पटांग चीज नहीं खाते। जैसे आदमी कुछ भी खा लेते हैं, जैसे स्मेल वाली चीज़ों की मना करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाना है तो भी खा लेंगे, कि सर हम कहेंगे कि प्याज लहसुन नहीं खाना, फिर पूछेंगे सर सब्जी में तो डाल सकते हैं, छोका तो लगा सकते हैं। तब जब आदमी किसी भी चीज़ को ज़्यादा उसमें ले लेता है, अब पशु को तो आप जैसा चारा डालेंगे ऐसा ही खाएगा। हम किसी को कहेंगे भाई आपको नॉन वेज नहीं खाना, तो वो कहेंगे अंडा खा सकते हैं क्या। मतलब आदमी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होता। फ्रेंड्स, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि पशुओं पे जल्दी कार्य मेडिसिन इसलिए ज़्यादा जल्दी करती है, क्योंकि उसे हम फ्रेज का जो चारा देना चाहेंगे वो पशु उसी चारे को खाएगा। वो आदमी इंसान व्यक्ति कुछ भी खा लेता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको फैट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हम उनको बताएंगे कि आपको तली हुई चीज़ें, बाजारी चीज़ें नहीं खानी है, वे कहेंगे कि सर खाएं क्या, मतलब उनको उनके सिवाय कुछ खाने की चीज़ नज़र नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इंसान से आज के समय में इतनी खाने पीने की जीभ के इतने चटोरे हो चुके हैं कि उनके शरीर अपने आप अपने ढंग खराब कर रखे हैं। यदि आप फ्रेज से खाना खाते हैं, सिंपली खाना खाते हैं, तो आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लग सकती। जैसे बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में आपको फल फ्रूट्स भी देख के खाना चाहिए। सब्जी भी, हरी सब्जी भी यदि आप मार्केट से लेते हैं, उसको भी बहुत साफ सुथरा देख के और उसको अच्छी तरह से धो के साफ करके तब आप बनाएं, तब आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर फल फ्रूट्स साग सब्जी इनमें अक्सर कीटाणु पनपने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को आप आगे से आगे जितना हो सके उसको शेयर करें। जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बस शेयर करने का मेरा मतलब यही है कि गांव देहात में जो भी पशुपालक हैं उनको आगे से आगे इनकी जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।